नमस्कार, एसआरबी बुलेटिन न्यूज झांसी में आपका स्वागत है। आज हम आपको लेके आए हुए हैं ऐसे धरने में जिनकी आवाज इस माइक के माध्यम से हम आपके पास पहुँचा रहे हैं। यह लुट रहे हैं और ये बोल नहीं सकते हैं। इनकी जो समस्या है उसको हम आपको कहेंगे महारानी एसोसिएशन विशाल धरना दे रहे हैं और इनकी जो मांग है आज उस मांग को लेकर हम जानना चाहेंगे इनसे क्या मांग लेके आए हुए हैं। देख सकते हैं कि आप जो बोल नहीं सकते हैं इनकी मात्र आवाज के थ्रू ही आप देख सकते हैं कि वो क्या कहना चाह रहे हैं और ऐसे ही इनकी आवाजों को हम आपके बीच ला रहे हैं। क्या कहना चाह रहे हैं आज ये लुट लेके हैं और ये पिटलाने बोल नहीं सकते हैं। इनकी आवाज देखिए आप क्या कहना चाह रहे हैं। हम इनसे जानना चाहेंगे कि वो क्या समस्या लेके यहाँ आए हैं और क्या कहना चाहेंगे। आज आप धरना क्यों दे रहे हैं? पेंशन 1,000 रुपए मिलती है, उनका कहना है कि वो 3,000 रुपए की जाए। और क्या मांग रहे हैं? आपकी गाड़ी ये चला लेते हैं लेकिन इनके पास लाइसेंस नहीं है। इनका कहना है कि हमारे जो गाड़ी हम चला लेते हैं तो हमें लाइसेंस के लिए एक अथॉरिटी दी जाए जिसके थ्रू गवर्नमेंट द्वारा हमारे जो समझाएगा उसको बैठने के लिए एक लाइसेंस दिया जाए जिससे वो हमारे से जा सके और गाड़ी की यात्रा कर सके। ऐसे ही कुछ मांगे हैं इनकी कि जिला पंचायत कक्ष में दिव्यांगों के लिए बंद कमरा का आर्थिक सहयोग एवं स्थान दिलाए जाने के संबंध में इनके जो कमेटी है उसको बैठने के लिए कहीं स्थान नहीं है। उसके लिए इनका कहना है कि उनके लिए एक स्थान की व्यवस्था किया है जहाँ पर ये पत्रकार आपस में बैठ के भाईचारा की तरह वहाँ पे मिल सके। कुछ मांगों को लेकर जैसे हम आए हुए हैं दुकान संचालन योजना, इस योजना के तहत जो मुख्य विधायक हैं विकलांग हैं उनकी ऐसे एक मार्केट बनाई जाए जिसमें ओनली विकलांग और दिव्यांगों को ही रोजगार के लिए सुविधा उपलब्ध कराई जाए। ऐसा ही हम जानना चाहेंगे। इन्हें लिखा है 2016 का, 2016 में जो नियम लागू किए गए थे विकलांग पेंशन के ऊपर उसको कड़ाई से पालन किया जाए। यहाँ पे अभी तक हमने देखा गया है कि उन लोगों ने कड़ाई से पालन नहीं किया। आज उसका नतीजा जो है कि मुख्य जो विचार व्यवहार है हमारे विकलांग भाई लोग हैं वो यहाँ पर आए हैं और प्रदर्शन कर रहे हैं डीएम के माध्यम से। ये अपनी आवाज पहुँचाना चाहते हैं उन लोगों के पास कि जहाँ पर कि इनकी आवाज बने और ऐसा ही हम जानना चाहेंगे इनसे। देखिए मेरा नाम माता दीन है, मैं विकलांगी और से रहता हूँ। देखिए आज हम लोग बहुत ही जो समिति है उसका ज्ञापन देने के लिए हम लोग ज्ञापन देने के लिए आए हैं। हमारी भारत उत्तर प्रदेश सरकार से काफ़ी सहायता योजना आती है तो वो आज तक हम लोग उनके पास कभी भी किसी भी प्रकार से हम लोग उनको नहीं मिलती है। 1,000 से बढ़ाकर सरकार को 3,000 करना चाहिए। मैं सबा खान एसआरबी न्यूज़ बुलेटिन से झांसी से। देखिए आइए मैं कुछ भाइयों से इशारे में और जो ज्ञापन दे रहे हैं यहाँ पर जिलाधिकारी किया, देखिए कैसे इशारों में अपनी समस्या को लेकर यहाँ पर आए हैं। आइए मैं आपसे इशारों में और जो सोनू भाई जो आपको इनकी इशारों में बातें आपको समझाएंगे, आइए। जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये विकलांग लोग हैं और मुख्य बता रहे हैं, इनकी मेन समस्या क्या है वो जी अपनी जवाब से नहीं बता सकते हैं तो हम आपको इनके सारे से आपको बताएंगे ये क्या कहना चाहते हैं। आप आज जिलाधिकारी कार्यालय आए हैं किसके लिए आए हैं, क्या मांगे हैं आपकी? इन्होंने जो एक विज्ञापन लेके आए हुए हैं इनका कहना है कि जो पहली मांग लिखी हुई है इन्होंने कि इनको इकाइयों में रोजगार नहीं दिया गया। तो जो गवर्नमेंट के 2016 में जो रूल आए थे कि सरकारी कोटे में दुकानें उठती हैं राशन की या किसी भी प्रकार की तो इनको एक स्थान दिया गया था, लेकिन आज तक गवर्नमेंट ने किसी प्रकार के इनको किसी भी जो बोल पाते हैं हमारे संग यहाँ पे हैं और ये विकलांग है ये बोल नहीं सकते, नहीं उन्हें किसी भी प्रकार का कोई आज तक उन्हें दिया नहीं गया। ऐसा ही हम मास्टर साहब जी हैं, इनसे पूछना चाहेंगे मास्टर साहब जी आज क्या इनसे इसको लेके आए। आइए कुछ मुद्दों को लेके हम समाज सेविका हैं जो और आप वहाँ के हैं जो कुछ बताना चाहेंगे अपने बारे में। इन लोगों का ये है मुख्यतः तो जैसे इन्होंने जो अपना नाम बताया, मेरा नाम संजीव यादव है, मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ और इन लोगों की सदैव मदद के लिए तत्पर रहता हूँ। ऐसे लोगों की मदद चूंकि हमें मानव होने के नाते करना भी चाहिए, ईश्वर ने हमको आवाज़ दी है तो हम चाहते हैं कि हमारी आवाज़ इनके काम आए। इनकी मुख्य मांग है आज जिलाधिकारी महोदय के यहाँ हम आए थे तो चूंकि ये है कि जैसे अभी सोनू भाई ने कहा कि जैसे कोटों का डिस्ट्रीब्यूशन का होता है रसद विभाग का जो कोटा होता है सरकारी कंट्रोल का तो उसमें इनको दिया जाना चाहिए, बढ़ता क्रम में इनका चयन उसमें करना चाहिए ताकि ये कोटा चला करके अपना जो उसमें थोड़ा बहुत कमीशन मिलता है उससे अपना घर चला सकें। दूसरा इनको घर मकान उपलब्ध कराया जाए रहने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना में। तीसरा 3,000 रुपये कम से कम मासिक पेंशन इनकी 3,000 रुपये होनी ही चाहिए। दूसरा चौथी मांग ये है
कि जो इलेक्ट्रिक बस चल रही है झांसी में, हम देख रहे हैं जिस तरह से हम लोग यात्रा करते हैं, इनका भी मन होता है हम बस में जाएं घूमें, तो उसमें फ्री ऑफ कॉस्ट यात्रा की सुविधा इनके लिए मिले, उसके लिए एक कार्ड बने जो ये अपने गले में डाल करके या उनको कंडक्टर्स को दिखा करके और उसमें फ्री ऑफ कॉस्ट यात्रा कर सकें। दिव्यांग एक्ट 2016 में प्रावधान है कि एक तो ये एक इनके परिजन दो लोगों के लिए ट्रेन में फ्री ऑफ कॉस्ट पास जारी होना चाहिए, तो वो आज तक नहीं हुआ है झांसी में। तो मेरा जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से मुख्यमंत्री जी से निवेदन है, माननीय प्रधानमंत्री जी से निवेदन है कि इन लोगों की इन मांगों पर शीघ्र विचार करें ताकि ये भी सामान्य मनुष्य की तरह अपने जीवन को जी सकें। थैंक यू, धन्यवाद। नमस्कार, सबा खान, एसआरबी न्यूज़ से, झांसी। थैंक यू। ये नंबर मिल पाती है, आपका कहना है कि जो इलेक्ट्रॉनिक बस झांसी में चल रही है उनमें आप लोगों को पास जारी नहीं किए गए अभी तक? कोई किसी भी राज परिवार डिपो ने हम लोगों के लिए कोई भी एक कार्ड नहीं बनाया है। हम लोग काफी परेशान होते हैं, आने जाने में दिक्कत रहती है, कई बार हम लोगों ने शिकायत भी की है शासन प्रशासन ने, हम लोगों की कोई समस्या का निदान नहीं होता है। काफी लोग जो सरकारी दुकानें बनती हैं, अभी तक हम लोगों का कोठा किसी भी प्रकार से हम लोगों को सरकार की दुकानें नहीं मिलती है। आपका मेन मांग जो है, आज आप लेके आए हैं, जो आपकी विकलांग पेंशन आपको मिलती है 1000 रुपए, उसमें आपका गुजारा नहीं हो रहा? बिल्कुल नहीं होता, 1000 रुपए कहाँ होता है। शासन प्रशासन ने हर चीज हम लोगों को दी है, तो कम से कम हर महीने की 3000 रुपए हमको प्रत्येक महीने होने, जिससे हम जो है खाने पीने की दाल चावल आटा हम ले सके। जैसा कि इन्होंने बताया है कि 1000 रुपए जो इनकी मानसिक पेंशन है उसमें इनका गुजारा नहीं होता है। इनकी जो मांग है मुख्य वो है कि 3000 रुपए मंथली इनकी पेंशन की जाए, और मेन समस्या आती है इनकी बच्चों की पढ़ाई के लिए, क्योंकि 1000 रुपए में क्या खाएंगे और क्या पढ़ाएंगे जब इनका परिवार है, सब लोग सारी सुविधाएं यहाँ पे हम देख सकते हैं भाई लोग। तो इन लोगों से हम बात करेंगे, अध्यक्ष जी हैं जो एक मेन आपको अहम चीज बता दें, जो इस संस्था के जो अध्यक्ष हैं वह भी एक विकलांग है और बोल नहीं सकते हैं, मुख्य बता रहे थे भी, तो इनसे हम जानना चाहेंगे इनकी समस्या के बारे में। क्या आपको भी आज कैमरे के माध्यम से मालूम चल जाएगा कि कैसे जो विकलांग है और ये मुख्य बता रहे हैं जे हम इनकी भाषा को समझते हैं, आज आप यहाँ क्यों आए हैं? आप डीएम साहब के यहाँ आए हैं आज, क्या मांग है आपकी? इनकी मेन मांग जो है ये बता रहे हैं, इसमें लिखा गया है कि इनकी मेन जो मांग है वो जो पेंशन है 1000 रुपए उसको 3000 रुपए की जाए, उसके संबंध में ये आए हुए हैं। और दूसरी जो इन्होंने मांग रखी हुई है चाइल्ड लाइन, जैसा कि आपने देखा हो झांसी शहर में अभी कुछ ही जने चिन्हित हैं जहाँ पर एक रेड बटन का लगा हुआ है, उसको दबाने तत्काल नगर निगम से उनको सूचना जारी की जाती है कि यह व्यक्ति पीड़ित है। तो इनका कहना है कि ऐसी एक सुविधा इनके लिए की जाए, जैसा कि इन्होंने चाइल्ड लाइन लिखा हुआ है कि 1070 है, 112 डायल है, 198 है जो पुलिस ने बनाई गई है, इनके लिए भी ऐसा एक नंबर जारी किया जाए जिससे कि आपातकालीन में इनके संग अगर कोई घटना घटती है तो जे ना किसी को फोन लगा सकते हैं ना कुछ कर सकते हैं, परंतु जे वो बटन दबाकर अपनी समस्या को पुलिस प्रशासन अधिकारियों के कानों में पहुंचा सकते हैं। एसआरबी बुलेटिन से सोनू साहू चटर्जी, झांसी। जी आज आप किन मांगों को लेकर कहां पर आए हैं? ये आप देख रहे हैं झांसी जनपद के ऐसे मूक बधिर साथी हमारे हैं, मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता हूं, इनकी मदद करता हूं सदैव। ये महारानी झांसी बधिर एसोसिएशन रजिस्टर्ड एक संस्था है, इसमें झांसी जनपद के शहर और ग्रामीण क्षेत्र के ऐसे मूक बधिर साथी हैं जो बोल और सुन नहीं सकते, ये ना सुन पाते हैं ना बोल सकते हैं, तो इनकी बहुत सारी समस्याएं हैं। एक 2016 में दिव्यांग एक्ट पारित हुआ था, उसकी फॉलो अप नहीं हो रहा है, वो पूर्णता लागू हो जाए तो इनकी काफी हद तक समस्याओं का निराकरण हो सकता है। दूसरा इनकी मांग है कि ये अपने परिजनों से, चूंकि अभी क्या है मैं दिव्यांग है ना बोल सकते हैं ना सुन सकते हैं, लेकिन इनमें बहुत अच्छे अच्छे कलाकार कई लोग हैं, ये बगल में खड़ा है बहुत अच्छा आर्टिस्ट है, ये प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री जी की हूबहू तस्वीर बना देगा, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो गाड़ी चलाना जानते हैं लेकिन आरटीओ चूंकि दिव्यांग है ताकि चलते इनको लाइसेंस जारी नहीं होता। 2016 के एक्ट में प्रावधान है कि इनको एक अटेंडर देकर के लाइसेंस जारी किया जाए ताकि ये अपना जीविकोपार्जन कर सके, ये छोटे छोटे उद्योग लगाने के लिए 100% सब्सिडी पे इनको एक सहायता राशि दी जाए। प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री आवास योजना के अंतर्गत इनको शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों का क्लासिफिकेशन करते हुए इनको एक आवास की सुविधा हो जाए, इनका स्वयं का घर भर हो जाए, तो खाने पीने का काम इनका एक दो अभी 1000 रुपए मासिक पेंशन मिलती है, वो पेंशन बढ़ा करके 3000 रुपए करने की मांग है कि कम से कम इतनी महंगाई बढ़ गई है, जब 1000 पेंशन लागू हुई थी तो महंगाई दर बहुत कम थी, अब महंगाई बढ़ गई है तो कम से कम 3000 रुपए
कैश इनको मिलने लगेगा तो उससे इनका घर चलने लगेगा और रहने के लिए एक सेट बन जाएगा। ये मुख्य मान्य आज जिलाधिकारी महोदय को माननीय मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन देने आए। हमें विकलांग संघ के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है और मूक बधिर संघ के साथ में मेंबर है। आज किस बात को लेकर धरना दे रहे हैं? ये मूक बधिर संघ का आज इस बात पे धरना है कि माननीय योगी आदित्यनाथ ने चुनाव होने से पहले उन्होंने घोषणा की थी कि दिव्यांगों की पेंशन की बढ़ोतरी होगी, जो कि उन्होंने चुनाव जीत लिया और सरकार के उसमें सिस्टम में आ गए, सरकार चला रहे हैं। तो हम लोगों का यही है कि हम और लोगों की जैसे दिव्यांग पेंशन बढ़ी है तो हम लोगों की दिव्यांग पेंशन बढ़ाई जाए। दूसरी ओर हम लोगों के लिए रोजगार कुछ उपलब्ध नहीं है, केवल भरण पोषण के नाम पर 1,000 रुपये दिए जाते हैं, उसमें हम लोगों का ना घर का ठीक तरह से घर चल पाता है, ना सामाजिक कार्य हो पाते, बच्चों को पढ़ाना लिखाना और भी घर के घरेलू कार्य है सामाजिक है वो नहीं हो पाता। तो हम सरकार से यही आग्रह है कि हम लोगों को ऐसी मार्केट दी जाए जहाँ पर हम लोग अपना रोजगार चला सके और अपने परिवार को भरण पोषण कर सके। और हम लोगों का नेहरू युवा केंद्र है, वो कार्यालय था, हम लोगों को उस पर किसी दमंगों ने कब्जा कर रखा है, उसे खाली कराया जाए और हम लोगों को ऑफिस था पुराना जो चला आ रहा था पुराना अप्लाईमेंट में, तो वो खाली है, मतलब दूसरों का कब्जा कर रहा है, हम लोगों को बाहर कर दिया गया। हम गवर्नमेंट के जिला अधिकारी माध्यम से यही कहना चाहते हैं कि हम लोगों की भरण पोषण के नाम पर जो अनुदान दिया जाता है गवर्नमेंट द्वारा उसको बढ़ा दिया जाए, हम लोगों की रोजगार की उपलब्धता करवा दी जाए। आज आप विज्ञापन देने कहाँ जा रहे हैं? जिला अधिकारी महोदय के पास।
बन जाए, बस पास यही है कि ये चले जाए, इतना जा सकते हैं बाजार में। जी सर।